हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ओल्ड टेक ट्रिक में। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है रियलमी का, कभी कभी इसमें लाइट ब्लिंक करने लगती है, बट ये जो हेडफोन है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। देखिए आप, यहाँ पर इसका जो सेंसर है इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, तब भी इसमें जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रही है। और इसकी जो चार्जिंग है, चार्जिंग ठीक है, चार्जिंग में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो ब्लूटूथ हेडफोन है, ये ओपन होने वाला ब्लूटूथ हेडफोन है, तो इसे आसानी से ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, इसका जो वायर है, वायर खींचने के वजह से देखिए अंदर के जो तार हैं इसके, वो तार यहाँ से टूट गए हैं और खाली इसका जो रबर है, रबर ही बचा हुआ है। तो यहाँ से इसकी जो वायरिंग है, पहले ये हमें ठीक करनी होगी, इसके बाद ही हमें आगे की और इसकी जो प्रॉब्लम है वो पता चलेगी। तो यहाँ आप देखिए, पहले इसे हम कर लेते हैं ओपन। तो चलिए यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड से मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। देखिए आप, देखिए आप, इसमें जो ग्रिप है, ग्रिप हमको मिल गई है। अब सिंपली हमें यहाँ से एक पतला स्क्रू ड्राइवर डाल के और इसको ओपन करना है आराम से। तो यहाँ पर ओपन करते वक्त हल्का फुल्का डैमेज हो सकता है जो ब्लूटूथ हेडफोन है, क्योंकि काफ़ी टाइटली ये फिक्स्ड होता है। यहाँ से सारा ओपन कर लेते हैं हम। चलिए अब इस साइड से भी कर लेते हैं। और इसमें दोस्तों काफ़ी ग्लू लगी होती है अंदर, जिस वजह से ये ओपन होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस वाले हेडफोन में। देखिए आप, देखिए आप, इसमें इस टाइप की ये जो ग्लू लगी होती है ये काफ़ी टाइट होती है, जिस वजह से ही ये जो हेडफोन है ये ओपन होने में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का इसमें सर्किट दिया हुआ है। और इस वाले ब्लूटूथ हेडफोन की सबसे अच्छी बात यही है कि ये ओपन हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इस वाले ब्लूटूथ हेडफोन में। यहाँ से भी जो रबर है इसको निकालते हैं, देखिए ये ओपन हो गया है यहाँ से। और अब इसका जो सर्किट बोर्ड है इसे हमें ओपन करना है। तो यहाँ पर पैचेस लगे हुए हैं, इन पैचेस को हमें ओपन करना है। तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। और इसका जो सर्किट है इसको निकालने के लिए देखिए, इसमें दो लॉक्स दी हुई हैं, इन लॉक्स को थोड़ा सा पुश करना है हमें ऊपर की साइड, ताकि जो सर्किट बोर्ड है वो इजीली ओपन हो सके। देखिए, तो जो सर्किट बोर्ड है इसको ओपन कर लिया है मैंने। और इसका ये जो राइट साइड का जो स्पीकर है, इसकी वायरिंग पर ही हमें अभी वर्क करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वायरिंग खींचने के वजह से इसके जो अंदर के वायर हैं, वायर यहाँ से पूरे टूट गए हैं। आप देखिए, ये काफ़ी बड़े बड़े वायर इसमें निकले हुए हैं। और यहाँ से भी इसमें जो वायर है, अब ये जो रबर है ये रबर अकेली बची हुई है। तो अब यहाँ से मुझे इसके जो वायर हैं, वायर ढूंढने होंगे। बट उससे पहले मुझे यहाँ पर इसकी जो रबर है, इसकी रबर को पहले रिमूव करना है अंदर से, इस कैप में से। देखिए मैं कर देता हूँ, पहले हम जो रबर कट करके डालेंगे वो तभी डलेगी जब ये वाली जो रबर है ये हम निकाल देंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको मैंने निकाल दी है और अब इसका ये जो कैप है ये एकदम फ्रीली हो गया है यहाँ पर। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ से कट करके और फिर से इसमें डालते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रबर हमको पहले ही डालनी होगी, तभी इसमें जो वायर है वो ऊपर की साइड हम निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ से डालते हैं। देखिए आप, देखिए दोस्तों, रबर इसमें मैंने वापस डाल दी है। अब ये पकड़ के हमें दोस्तों ऊपर की साइड खींच लेना है। देखिए आप, अभी ऊपर आ गई है। और अब यहाँ पर इसमें जो वायर है, वायर भी हमें मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पहले इसका ये जो अर्थिंग वाला वायर है, पहले इस पर शोल्डरिंग लगा लेना है ताकि ये जो वायर है ये प्रॉपर शोल्डरिंग हो सके। देखिए आप, तो यहाँ से ये वाला जो वायर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर मिल रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो रबर है ये कट कर दी है। तो देखिए आप, यहाँ से मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कट कर लिया है, और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको, ये जो वायर है इसको शोल्डरिंग करूँगा। यहाँ पर भी मैंने शोल्डरिंग लगा लिया है इस वायर में, और अब करना क्या है कि यहाँ पर मैं इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ शोल्डरिंग से। देखिए आप दोस्तों, ये काम काफ़ी बारीक है तो इसलिए हमें ध्यान से करना होगा। देखिए, इसका जो शोल्डरिंग है ये मैंने काफ़ी प्रॉपर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ से इसकी जो रबर है, इस रबर को थोड़ा खींच लेना है। देखिए, यहाँ से जैसे ही हम इस रबर को खींचेंगे तो जो यहाँ पर शोल्डरिंग लगा हुआ जो वायर है ये अंदर की साइड चला जाएगा। ये देखिए आप, अब ये अंदर चला गया है। देखिए, मैं फिर से कर देता हूँ इसे ठीक से। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो सोल्डरिंग लगा हुआ वायर है वो यहाँ पर आ गया है, और अब बचा हमारा ये जो ब्लू वाला वायर है, तो अब इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस वाले वायर को थोड़ा पास से कट करूँगा। देखिए आप, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही वायर चाहिए यहाँ पर सोल्डरिंग के लिए, और ये हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वायर है वो थोड़े दूर दूर हो सकें। इसमें भी सोल्डरिंग लगा लेता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर भी मैंने शोल्डरिंग लगा लिया है इस वाले वायर में, और पहले इसमें हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा फिट करके कि ये वाला वायर कितना आ रहा है। तो अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ, इसका ये जो वायर स्पीकर से आया हुआ है तो इसको कट कर लिया है। देखिए आप, यहाँ पर अब इस पर भी सोल्डरिंग लगा लेना है। तो देखिए, अब यहाँ पर भी दोनों वायर हमने शोल्डरिंग लगा लिया है दोनों वायरों में। इन दोनों वायर को शोल्डरिंग कर देना है आपस में, जैसे हमने उन दोनों को किया हुआ था। तो देखिए आप, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये वाला वायर भी मैंने शोल्डरिंग कर लिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। देखिए आप, अब इसकी जो फिटिंग है ये कर देना है, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिटिंग कर देते हैं इसकी। तो देखिए, यहाँ तक जो फिटिंग है वो हमने कर दी है। अब इसके जो पैचेस हैं, पहले ये हम फिट कर देते हैं। देखिए आप, जो कि हमने निकाले हुए थे, तो ये पैच मैंने कस दिया है यहाँ पर। अब जो दूसरा पैच है ये भी हम कस देते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों पैचेस थे ये भी लगा दिए हैं मैंने। अब इसका ये जो कैप था ये हमने फिट कर दिया है, और हमने यहाँ पर अभी इंस्टेंट ग्लू नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर जो वायरिंग है वो थोड़ी फंस रही है। तो हम इसमें जो इंस्टेंट ग्लू है हम वो बाहर से डालेंगे। तो फिलहाल एक साइड से ये ठीक हो गया है, तो चलिए इसकी जो फिटिंग है ये कर देते हैं यहाँ पर पूरी कंप्लीट। देखिए आप, तो यहाँ तक इसकी जो फिटिंग है ये कंप्लीट होती है। और अब इसका जो सेंसर है वो डिसकनेक्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए, अभी भी जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रही है, तो इस साइड से रिपेयर हो गया है, और अब हमें इस साइड से भी इसको ओपन करना होगा। तो चलिए पहले इसको फिर से ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने की जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। तो
तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि इसका भी ये जो सारा कैप है ये हमें यहाँ से निकाल लेना है। दोस्तों इस साइड इसमें ज़्यादा काम होगा क्योंकि इसमें जो वायरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है वो सेंसर वाली होती है। तो आप देखिए, आप सेंसर की जो वायरिंग है ये पूरी टूट गई है, देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर पहले इसके जो बैटरी के वायर हैं ये मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो वायर है इन पर ग्लू लगा हुआ है, तो पहले ग्लू को हमें रिमूव करना होगा, तभी जो वायरिंग है वो यहाँ से डिसोल्डिंग होगी। तो यहाँ पर इसकी जो ग्लू है, ग्लू को रिमूव करने के लिए पेट्रोल या फिर थिनर का यूज़ कर सकते हैं। तो पेट्रोल है नहीं तो हम थिनर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, अब इसकी जो ग्लू है इसको रिमूव करने के लिए इस पर हल्का सा जो थिनर है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि इसकी जो ग्लू है वो रिमूव हो सके। इसको थोड़ा गल जाने देते हैं इसकी जो ग्लू है वो। तो इस साइड की ग्लू निकाल दी है मैंने, और अब चलिए ऐसे ही यहाँ की भी निकाल देते हैं। पहले इसका ऊपर वाला वायर हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो बैटरी है इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ग्लू लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग आप थोड़ा सा समझ लीजिए किस टाइप से करना है और किस टाइप से इसकी वायरिंग होगी। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका ये जो S- लिखा हुआ है ये वायर टूटा हुआ है, और एक वायर इसमें H वाला टूटा हुआ है, यानी कि इसका हॉल सेंसर उसका वायर है, और एक ग्राउंड का वायर टूटा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है ये मैंने सारी वायरिंग कर दी है, और यदि दोस्तों यहाँ पर सेंसर की वायरिंग आप गलत लगाएंगे तो ये वर्क तो करेगा बट इसका सेंसर वर्क नहीं करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो गोल्डन और जो ग्रीन वायर है ये दोनों स्पीकर के वायर हैं, और यहाँ पर ये जो ब्लू वाला वायर है ये ग्राउंड का है, और यहाँ पर इसमें जो रेड वायर है ये है बैटरी का प्लस, और इसमें जो यहाँ पर ग्रीन और रेड वायर जो मिक्स है ये है दोस्तों हॉल सेंसर का। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वायरिंग है ये हमने कर दी है। यहाँ की वायरिंग थोड़ी डिफरेंट है और इस साइड की हमने ठीक से लगा दी है। तो अब ये जो ब्लूटूथ है ये वर्क करने लगा है। आप देखिए यहाँ पर इसका जो सेंसर है, सेंसर को मैं हटा लेता हूँ। देखिए आप, जो ग्रीन LED है वो यहाँ पर ग्लो हो गई है, ये आप देखिए। और फिर मैं टच करता हूँ तो ये देखिए आप, ये ऑफ हो गया है। तो इस तरह से ये जो ब्लूटूथ नेकबैंड है ये वर्क कर रहा है। तो चलिए पहले इसकी जो फिटिंग है ये कर देते हैं हम पूरी, इसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे अच्छे से। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी बैटरी भी हमने फिट कर दी है। चलिए अब इसका जो कैप है ये कैप भी लगा देते हैं हम। देखिए आप, इस तरह से जो नेकबैंड है इसकी फिटिंग हमने वापस कर दी पहले जैसी। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लूटूथ हेडफोन है इसकी फिटिंग हो गई है। चलिए अब इसमें थोड़ी सी इंस्टेंट ग्लू लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा फिक्स हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर ये अभी भी दोस्तों यहाँ से निकल सकता है, तो हम इस पर थोड़ी इंस्टेंट ग्लू लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं। दोस्तों जो इंस्टेंट ग्लू है वो हमें ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ी ही लगाना है। देखिए आप, थोड़ी सी यहाँ पर भी लगा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी डालनी होगी इंस्टेंट ग्लू, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी जो रबर है रबर को निकाला हुआ था। तो चलिए यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। और अब दोस्तों इसका जो बैटरी वाला सेक्शन है यहाँ से भी हमने इसे ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पर भी जो इंस्टेंट ग्लू है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो इंस्टेंट ग्लू है हमने दोनों साइड लगा दी है। चलिए अब बारी है इसके टेस्टिंग की, तो वो हम करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोन के ब्लूटूथ की सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए आप, और यहाँ पर जो इसका सेंसर है सेंसर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए आप, और अब इसका जो नाम है वो हम सर्च कर लेते हैं ब्लूटूथ का।
तो यहाँ देखिए रियलमी बड्स आ गया है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और अब यहाँ पर हम कोई भी एक म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं। यहाँ चलिए दोनों स्पीकर का जो साउंड टेस्ट है वो कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये जो ब्लूटूथ हेडफोन था जिसमें कि वायरिंग डैमेज की प्रॉब्लम थी, और वायर डैमेज की प्रॉब्लम इस तरह से थी वो समझ नहीं आ रही थी कहाँ से वायर डैमेज हुआ है। तो हमने इस तरह से इस ब्लूटूथ हेडफोन को रिपेयर कर लिया है। यदि आपके ब्लूटूथ हेडफोन में भी कभी इस टाइप प्रॉब्लम आए तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।